आलू किसानों को राहत, सरकार पहले चरण में इन 7 जिलों में खरीदेगी फसल, इस दर पर होगी खरीद, यहां जाने सब कुछ। आलू किसानों की दुर्दशा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उन्हें बड़ी राहत दी है। सरकार अब 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी। पहले चरण में फरुखाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज तथा बरेली यानी 7 जिलों में आलू क्रय केंद्र स्थापित कर खरीद शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आलू के दाम लगातार गिर रहे हैं। इस साल 6,94,000 हेक्टेयर भूलाख में आलू की बुआई हुई है। 242 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आलू की पैदावार होने का अनुमान है। रकबा और पैदावार दोनों ही बढ़े तो आलू के दाम गिर गए। कोल्ड स्टोर में जगह न होने के कारण आलू सीधा मंडियों में पहुंचा, जिसका परिणाम ये रहा कि आलू का रेट जमीन पर आ गया। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि आलू की अगेती फसल कम हुई है। नवंबर महीने तक आलू के दाम टड़े रहे, इसके बाद एक साथ मंडियों में तगड़ी आवक शुरू हो गई। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 6 मार्च को उन्होंने फरुखाबाद मंडी का निरीक्षण किया तो पाया कि मंडल में आलू 3 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। उधर दूसरे प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आलू का भाव 12 से 14 रुपए प्रति किलो था। ऐसे में यह निर्णय लिया गया कि बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत उचित गुणवत्ता का आलू सरकार खरीदेगी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ हाफेड को पहले चरण में 7 जिलों में क्रय केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोल्ड स्टोरेज संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कहा जा रहा है कि आलू के भंडारण में कोई परेशानी ना की जाए। प्रत्येक कोल्ड स्टोर पर उद्यान विभाग से कर्मचारी अधिकारी की ड्यूटी व्यवस्था बनाने के लिए लगाई गई है। कृषि उत्पादन आयुक्त के मुताबिक विशेषकर फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, बाराबंकी में ई नीलामी के माध्यम से आलू की बिक्री की जाएगी।